देश भर में विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, तो वहीं गुमला में भी परमवीर एल्बर्ट एक्रा स्टेडियम में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि यहां रावण की 60 फीट, मेघनाथ की 30 और कुंभकर्ण की 30 फीट की प्रतिमा लगाई जा रही है। वहीं रावण दहन समिति के अध्यक्ष की माने तो पानी नहीं आने से सभी कार्य समय से पूरा करने की बात कही। दरअसल बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया था, जिसके चलते यहां कीचड़ जमा हो गया है। एक रावण की, एक मेघनाथ की और एक कुंभकर्ण की। रावण कितना ऊंचाई होगा? रावण का 60 फीट है और बाकी दोनों के हम लोग 30-30 फुट रखे हैं। तैयारी किस तरह से चल रही है? तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ सबों का हम लोग का सहयोग प्राप्त है। सब लगे हुए भी हैं। सुबह से SDO मैडम खुद आई हैं, दो बार विजिट करके गई हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। कल ही से वो लगी हुई, DC साहब से भी हमारी बात हुई थी, वो भी सहयोग में पूरा तत्पर है। जैसा कि देख रहे हैं आप, कीचड़ हो गया पानी के कारण, उसको भी भराया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोग को मिल रहा है। आपका मतलब रावण खड़ा नहीं हो हुआ, प्रबंधन समिति कब तक पूरा कर सकती है? इसको हम लोग समय से पहले कर लेंगे, और पानी की वजह से थोड़ा सा हम लोग काम रुका है, लेकिन फिर भी प्रयास में लगे हुए हैं। सारा कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज देखा जा रहा है कि स्टेडियम बहुत गीला जैसा हो रहा है, लोग कैसे आएंगे जाएंगे? जिस तरह से हम लोग उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, डस्ट वगैरह गिरवा रहे हैं, और जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है इसके लिए। हर तरह से तो समय से लगभग सब पूरा हो? हाँ, हो जाए, एकदम हो जाना चाहिए। लगभग 10,000-15,000 का भीड़ आती है? नहीं नहीं, हम लोग लगते तो हमको लगता है 40,000-50,000 की भीड़ आती है। क्या कर रहे हैं अब इसमें? जिला प्रशासन को ऐसे आप बोल रहे हैं भाई, पानी अब तो हम लोग के हाथ में नहीं है। अब पानी बरसा है, उसके कारण कीचड़ है, जिसको सुधार किया जा रहा है कि डस्ट डाला जा रहा है। अभी तक डस्ट नहीं लाया गया है, तो क्या प्रतिक्रिया चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, डस्ट गिरा हुआ है, बालू डाला जा रहा है, सब किया जा रहा है, आ रहा है, जाएगा। वहीं समिति के सदस्यों का कहना है कि जल्द से जल्द मैदान से कीचड़ हटवाया जाएगा, तो वहीं अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।